नमस्कार दोस्तों, कल मार्केट कहाँ जाएगा इसके ऊपर आप लोग बहुत से लोग यहाँ पर डाउट आपके मन में है कि कल मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो कहाँ पर यहाँ पर हम लोगों को फोकस रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक यहाँ पर कल आपको तेज़ी दिखा सकते हैं, कौन से स्टॉक आपको यहाँ पर फोकस में रखना चाहिए, ये सारा कुछ कुछ डिस्कशन लेकर ये वीडियो है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखें। और आपके सामने यहाँ पर निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस 5 फरवरी का आपके सामने है 14,924 रुपीज़। और देखें तो निफ्टी आपको यहाँ पर हरे निशान के अंदर ही यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ नज़र आएगा। तो कल यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सर देखिए तो 5 दिन के पिछले 5 दिन का यहाँ पर पूरा हफ्ता अगर आप यहाँ पर ले लें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 5 दिन के चार्ट के ऊपर जो कि है निफ्टी ने रिटर्न कितना दिया है। सर 5 दिन के चार्ट के ऊपर निफ्टी ने 9% का रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अगर कल के दिन बात को नोट कर लीजिए, अगर कल के दिन गिरावट होती है तो उस गिरावट को आपको अपॉर्चुनिटी की तरह ही यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि 14,600 के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पर सपोर्ट का यहाँ पर सिचुएशन बना हुआ है। तो 14,600 से नीचे निफ्टी जाएगा शॉर्ट टर्म में, ऐसा मुझको नज़र नहीं आ रहा है। अभी की बात करें मोमेंटम यहाँ पर इतना ख़राब नहीं है, और अगर मार्केट नीचे खुलता है तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। और अभी मार्केट में अगर आप देखें फ्रेश खरीदारी कहाँ पर किया जा सकता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बनाकर बता दिया है कि कहाँ पर खरीदारी किया जा सकता है। तो आप उस चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आप देखें कल कौन से स्टॉक के ऊपर यहाँ पर फोकस रखना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये कम्प्लीटली एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे बोलने से आपको किसी भी स्टॉक में पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनानी है। और लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में अगर मैं निवेश करने के लिए आपको कहता हूँ तो उसमें भी आपको सोच समझ कर निवेश करना है। कल क्या कुछ सिचुएशन रह सकती है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट में आप इन स्टॉक को ऐड कीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो सबसे पहले वाला जो स्टॉक है वो है दोस्तों यहाँ पर आई डी बी आई बैंक के ऊपर कल यानी कि 8 फरवरी को आपकी नज़र होनी चाहिए। कल आपको ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी दिखा सकता है, मुझको जितना समझ में आ रहा है कल आपको ये प्राइस क्लोजिंग प्राइस नज़र नहीं आएगा। कल आपको स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता हुआ डेफिनेटली दिख सकता है, और कम से कम यहाँ पर आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये स्टॉक आपको 5 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर ही 50 का लेवल यहाँ पर दिखा सकता है। तो IDBI बैंक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन ये खरीदारी करने के लिए कोई भी कॉल नहीं है। उसके लिए मैंने IDBI बैंक के ऊपर सेवरल एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 8 फरवरी को आपको नज़र में रखनी चाहिए, IDBI बैंक में गिरावट आती है तो यहाँ पर आप सोच समझ कर कुछ भी डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद देखें तो सर SBI की बात करें, सर SBI ने आपने देख ही लिया होगा, सर SBI ने आपको 400 का लेवल भी यहाँ पर पार करता हुआ दिखा दिया है। तो सर SBI आपकी नज़र में होनी चाहिए, SBI भी यहाँ पर से आपको अच्छा खासा मोटा मुनाफा अभी भी बनाकर दे सकता है। और जो ब्रोकरेज फर्म्स है उनका यहाँ पर 550 का टारगेट भी उन्होंने दे के रखा है, 550 का टारगेट मतलब सर आप समझ ही सकते हैं। तो SBI आपकी नज़र में होनी चाहिए। उसके बाद देखें तो सर CDSL मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सर ये स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र हमेशा होनी चाहिए। ये स्टॉक आपको कम से कम यहाँ पर से देखें तो सर ये लेवल आपको यहाँ पर से दिखा सकता है, 1000 का लेवल आपको CDSL दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए हो सकता है आपको स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ भी दिखे, लेकिन सर साल डेढ़ साल के अंदर अंदर CDSL आपको 1000 का भाव दिखा देगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद देखें तो सर आईटीसी की बात करें तो सर आईटीसी का जो कुछ बड़ा खुलासा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, और उन्होंने एक्सचेंज के वेबसाइट के ऊपर भी कहा है कि वो लोग डिविडेंड के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो सर 11 फरवरी को ये डिविडेंड का डेट उन्होंने मतलब रखा है कि 11 फरवरी को वो यहाँ पर डिविडेंड दे सकता है, अनाउंस कर सकते हैं। तो सर आईटीसी के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, खबर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा क्या कुछ खबर है आईटीसी के ऊपर। ऑन फ्राइडे आईटीसी लिमिटेड सेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग दैट इट्स बोर्ड विल मीट ऑन 11th फरवरी 2021 टू कंसिडर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरम डिविडेंड। तो कंपनी इंटरम डिविडेंड के ऊपर बातचीत कर सकती है, और आईटीसी के ऊपर आज के डेट टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आपको ये आर्टिकल भी दिखता हुआ दिखेगा, आईटीसी फर्दर स्केलिंग ऑफ इट्स डिजिटल इंटरवेंशियल अक्रॉस बिजनेस एंड वैल्यू चेन। तो डिजिटल
डिजिटली ये अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह जो सारा कुछ रोबोटिक टेक्नोलॉजी वगैरह है ये सारा कुछ के ऊपर ITC यहाँ पर सोच रही है। तो ये यहाँ पर एक टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर एक ये आर्टिकल आया है। तो सर इसी के चलते अगर आप देखें ITC का स्टॉक आपके फोकस में वॉचलिस्ट में दोनों में होना चाहिए और पोर्टफोलियो में है तो इसको रहने दीजिए। लंबे अवधि में ITC का टारगेट अगर आप मेरे से पूछे तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा लंबे अवधि में ITC आपको ये 500 का भाव भी दिखा सकता है। वक्त थोड़ा ज़्यादा ले सकता है लेकिन सर ITC के अंदर यहाँ पर दमकम है कि 500 का लेवल भी आपको दिखा सकता है। तो ये था छोटा सा प्रयास आपको बताने की कि कल मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, किन स्टॉक में आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को हिट कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद।